थिएटर में दो हॉलीवुड फिल्में लगी हैं, एक है बारबी और दूसरी है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर इस फिल्म का नाम अब तक लगभग आप सभी सुन चुके होंगे, बल्कि शायद आप में से बहुत से लोग इसे देख भी चुके होंगे। इस फिल्म को लेकर इंडिया में एक विवाद छिड़ गया है, वो विवाद क्या है और क्यों है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के लोग फिल्में देखने के कितने शौकीन हैं, लेकिन एक बात है जो लगभग हम सभी काफी टाइम से देख रहे हैं और वो ये है कि आजकल जो भी नई मूवी आती है वो थिएटर तक बाद में पहुंचती है, कंट्रोवर्सी में पहले आ जाती है। यानी आजकल लगभग हर फिल्म विवादों से जरूर घिरती है, जिससे ऐसा भी लगता है कि जैसे ये कोई परंपरा बन गई है। कोई फिल्म अगर स्मूथ तरीके से सीधे सीधे चल जाए तो बहुत गनीमत होती है, वरना तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, पठान, 72 हुरे, आदि पुरुष और उसके बाद ओ माय गॉड 2, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो भारत में कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हैं। फिल्मों पर जब विवाद उठते हैं तो उसका कारण क्या होता है, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से वो चर्चा में आती है, उस पर विवाद होता है? तो हम आपको बता दें, इन विवादों का मेन रीजन होता है धर्म या धार्मिक आहत। यानी जब किसी फिल्म में धर्म से रिलेटेड कोई चीज दिखाई जाती है, उस पर भी अगर गलत रिप्रेजेंट किया जाए या किसी धर्म को टारगेट किया जाए तो उस धर्म से जुड़े लोग फिर उस फिल्म को आड़े हाथों लेना शुरू कर देते हैं। आखिर सवाल उनकी धार्मिक मान्यताओं को जो होता है। दुनिया के पहले परमाणु बम के मास्टरमाइंड रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक शुक्रवार को रिलीज हो गई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। ओपेनहाइमर कौन थे और उन्होंने क्या किया था, ये तो सभी जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर खत्म कर दुनिया में अमेरिका का परचम लहराने वाले शख्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही थे। ये फिल्म इन्हीं की जीवनी पर आधारित है। ओपेनहाइमर की पर्सनालिटी को इस फिल्म में डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी उनके व्यक्तित्व में काफी विरोधाभास थे, जो उनके दोस्तों और जीवनी लिखने वाले दोनों को हैरत में डाल दिया करते थे, जिससे उनके लिए ओपेनहाइमर का किरदार बयान कर पाना मुश्किल हो जाता था। जब उन्होंने पहली बार ये दोनों बम बनाए और इनका इस्तेमाल जापान पर किया गया और उसमें उन्हें सक्सेस भी हासिल हुई, तब पूरे अमेरिका में चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी, हर तरफ उनके नाम की गूंज छाई हुई थी। तब इस सब को देखकर वो खुद भी बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता गया तब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जापान में मारे गए वो 2 लाख लोग मेरी वजह से ही मरे हैं, मेरे हाथ उन 2 लाख लोगों के खून से रंग गए हैं। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये सब बातें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। वैसे फिल्म अच्छी है, साइंटिफिक चीजों पर आधारित है और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में किसी भी तरह के VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो इसे कॉन्ट्रोवर्सी के दायरे में ले आता है। इस फिल्म में एक सीन है जो भारत के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो सीन ये है कि ओपेनहाइमर के एक सेक्स सीन में हिंदू पवित्र ग्रंथ भगवद गीता की एक पंक्ति दिखाई गई है। इससे लोग नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल इस फिल्म में रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रूप में सिलियन मर्फी और जीन टेटलॉक के रूप में फ्लोरेंस पुक के बीच एक सेक्स सीन है। दरअसल फिल्म में पुक संभोग के दौरान रुकती हैं, उठती हैं और बुक शेल्फ के पास आती हैं और बुक शेल्फ में से एक किताब निकालती हैं और वो किताब होती है भगवद गीता, यानी हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ। वो मर्फी से पूछती हैं कि ये क्या है और जाकर मर्फी के ऊपर अजीब तरीके से बैठ जाती और मर्फी से इसे पढ़ने के लिए कहती है। तब मर्फी भगवद गीता के उद्धरण में मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक पढ़ता है, जिसे ओपेनहाइमर ने प्रसिद्ध रूप से तब सोचा था जब पहला परमाणु बम विस्फोट किया गया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 700 श्लोक वाली भगवद गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान का एक संवाद शामिल है। क्योंकि अर्जुन एक नैतिक दुविधा से गुजर रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्रिस्टोफर नॉलन की लगभग सभी फिल्में सुपरहिट जाती हैं और भारतीय दर्शकों को काफी पसंद भी आती है। इसी के चलते ओपेनहाइमर देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। फिल्म देखने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। इस विरोध में मशहूर पत्रकार उदय माहुरकर भी शामिल थे, जिन्हें भारत सरकार ने 2020 में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। माहुरकर सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। माहुरकर ने फाउंडेशन की ओर से ट्विटर पर नॉलन को टैग करते हुए एक पत्र में लिखा, यह हमारे संज्ञान में आया है कि फिल्म ओपेनहाइमर में एक दृश्य है जो हिंदू धर्म पर तीखा हमला करता है। सोशल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फिल्म के एक दृश्य में दिखाया गया है कि एक महिला एक पुरुष के साथ संभोग करते समय जोर जोर से भगवद गीता पढ़ती है।
उसने एक हाथ में भगवद गीता पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से आपत्तिजनक हरकत कर रही है। ये सभी जानते हैं कि भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। गीता अनगिनत सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और महापुरुषों के लिए प्रेरणा रही है, जो संयम का जीवन जीते हैं और निस्वार्थ महान कार्य करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक वैज्ञानिक के जीवन पर इस अनावश्यक दृश्य के पीछे की प्रेरणा और तर्क को नहीं जानते हैं, लेकिन यह 1 अरब सहिष्णु हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला है, बल्कि यह हिंदू समुदाय पर युद्ध छेड़ने जैसा है और लगभग हिंदू विरोधी ताकतों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीक होता है। खबरों के अनुसार उनके कहने का अर्थ है कि एक साइंटिस्ट के जीवन पर ये अनइम्पोर्टेंट सीन क्यों दिखाया गया, इसे हम नहीं जानते, मगर यह हमारी पवित्र ग्रंथ गीता का अपमान है, बल्कि एक घटिया अपराध है। इसके आगे वे कहते हैं कि हॉलीवुड इस तथ्य को लेकर बहुत संवेदनशील है कि कुरान और इस्लाम को किसी भी तरह से चित्रित नहीं किया गया है, जो एक आम मुस्लिम या ईसाई की मूल्य प्रणाली को ठेस पहुंचा सकता है। वही शिष्टाचार हिंदुओं के लिए भी क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, यानी हॉलीवुड उन सब बातों का ध्यान रखता है जिससे किसी मुस्लिम या ईसाई के धार्मिक मूल्यों को, भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो फिर हिंदुओं की बात आने पर वे इसे क्यों भूल जाते हैं? जो मैनर्स वो बाकियों के साथ रखते हैं, वो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं? इस पत्र में उन्होंने नॉलन से दुनिया भर में अपनी फिल्म से इस दृश्य को हटाने का आग्रह किया है और कहा है कि अगर आप इस अपील को नजरअंदाज करना चुनते हैं तो इसे भारतीय सभ्यता पर जानबूझकर किया गया हमला माना जाएगा। इसके साथ ही ये पहली बार नहीं है जब हॉलीवुड स्टूडियो की तस्वीर में भगवद गीता के उद्धरण का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इससे पहले भी स्टेनली कुब्रिक की 1999 की फिल्म आईज वाइड शर्ट के एक तांडव दृश्य में पंक्तियां थी, सदाचारियों की सुरक्षा के लिए, बुराई के विनाश के लिए और धर्म की दृढ़ स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूं और युग युग तक पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। हिंदू समूहों के विरोध के बाद वार्नर ब्रदर्स ने साउंड ट्रैक से पंक्तियों को एडिट किया था। सिर्फ इस एक सीन के कारण भारत के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। खबरों के अनुसार ये विरोध जायज भी है, क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का अपमान है और धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इस पर किया जा रहा विरोध सही है या गलत? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।